मंदसौर के लॉ कॉलेज में आज विद्यार्थियों द्वारा मूड कोर्ट का नाटकीय रूपांतरण किया कार्यक्रम दिखा उत्साह विद्यार्थियों में। मंदसौर के लॉ कॉलेज में आज विद्यार्थियों द्वारा 4 टीमें गठित की गई, जिसमें टीमों द्वारा नाटकीय रूपांतरण के रूप में कोर्ट बनाई गई, जिसमें जज और वकीलों के बीच बहस हुई। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुआ। मंदसौर श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय में आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज सम्राट वर्सेस पकाला नारायण स्वामी का एक केस को लेकर बहस हुई, जो कि धारा 302 120 बी 201 के तहत मूट कोर्ट का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद रईस खान द्वारा 4 टीमों को गठित किया गया और मूट कोर्ट के माध्यम से सत्र न्यायालय में विचारण संबंधी कार्रवाई को प्रदर्शित किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी गणों द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोक अभियोजक बचाव अभियंता अभियोजक लक्ष्य अपराधी न्यायालयीन कर्मचारीगण चिकित्सक अधिकारी किरदार निभाते हुए संपूर्ण न्यायालयीन विचारण कार्रवाई की प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रथम विजेता के रूप में स्वाति व्यास एवं द्वितीय विजेता आफरीन खान को चयनित कर प्रमाण पत्र व शील्ड वितरित कर पुरस्कृत किया गया। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को विधि के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और कैसे उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, उसी को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम जागरूकता फैलाई जा रही है। यह कार्यक्रम आज बुधवार को 11:30 पर शुरू हुआ, जो कि लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इस कड़ी में राष्ट्र स्तर पर जो प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि जो न्यायालय स्तर पर भी और विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर भी तालुका स्तर से लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक ये गतिविधियां चल रही है, जिससे कि आम जन में विधि की जागरूकता आ सके और साथ ही साथ विधि की जागरूकता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाना है, जिससे कि उनके अधिकारों के बारे में आमजन को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होने के साथ साथ में जब योजनाओं का पता लगेगा तो उन योजनाओं का लाभ आमजन ले सकेंगे। जिनके कल्याण के लिए वो योजनाएँ बनी है, यदि उन योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं पहुँचेगा तो उन योजनाओं को बनाने का उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया उनके लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था? जी, मूट कोर्ट में बहुत 4 टीमें गठित की गई है यहाँ पे और हमारे द्वारा जब निर्णय दिया जाएगा तो उसमें 4 लोगों को हर टीम से एक एक व्यक्ति को चयनित किया जाएगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्देश है कि एक जो सर्वश्रेष्ठ जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उसका नाम हमें जबलपुर में भेजना है, वहाँ से भी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हम यहाँ पे 4 ही टीम के लोगों को प्रमाण पत्र और शील्ड का वितरण करेंगे यहाँ। थैंक यू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के निर्देशानुसार आज लॉ कॉलेज मंदसौर में मूट कोर्ट का कॉम्पिटिशन रखा गया था। इसमें हमारी टीम ने सम्राट बनाम पकाला नारायण स्वामी केस पर प्रैक्टिस की है और ये मामला एक हत्या से जुड़ा 1937 का मामला है जो ब्रिटिश कोर्ट में बहरामपुर में चला था, उसको हमने यहाँ पूरा नाट्य रूपांतरण उसका किया है। हमारी टीम में कुल 14 लोग थे, 14 मेंबर्स। जज साहब माननीय रईस खान साहब यहाँ मौजूद रहे, सभी लोग रहे और उन्होंने सुना, हमारी अभिनय को देखा और आगे कुल 4 टीम है, बारी बारी सब लोग अपना अपना नाट्य रूपांतरण करेंगे। इसी केस पर है, एक ही केस सभी को दिया है, इसी पे सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। जी, यहाँ पे सम्राट वर्सेस पकाला नारायण स्वामी का एक केस चल रहा था जो कि आईपीसी की धारा 302 120 बी और 201 के तहत यहाँ पर उसकी पूरी मूट कोर्ट की नाटकीय रूपांतरण यहाँ पर किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वावधान में किया गया है, जिसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा एक केस की केस स्टडी करने के पश्चात नाटकीय रूपांतरण में उसको प्रस्तुत किया गया है। क्या नाम आपका? स्वाति व्यास। थैंक यू।